हैं वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचानी जरूरी हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ लोगों की है, जो लंबी लंबी कतारें लोगों की है, वो तो आपने देखी। छठ पर्व के चलते रेलवे स्टेशन पर ये जो भारी भीड़ है, इसमें कैसे लोग का तरीके आजमा रहे हैं अपने घर जाने के लिए, वो तस्वीर देखिए। ट्रेन में लटक कर, दरवाजों पर लटक कर जैसे तैसे ट्रेन में अंदर एडजस्ट होने की कोशिश। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यूं लटक कर ये सफर करेंगे तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। छठ के पर्व पर अपने घर जाने की जल्दी भी है, उत्सुकता भी है, परिवार के साथ त्योहार भी मनाना है, लेकिन ट्रेन में जगह नहीं है, स्टेशन भरे पड़े हैं, स्टेशन के बाहर तक लंबी कतारें हैं। ऐसे में जैसे तैसे ट्रेन पकड़ तो ली, लेकिन अंदर जगह है नहीं, इसीलिए ट्रेन में दरवाजों पर लटके हुए ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। कुछ ऊपर की तरफ लटके हैं तो कुछ बिल्कुल नीचे जहाँ ट्रेन के पहिए हैं ठीक उसके पास में लटके हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा सोचिए कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा ऐसे में हो सकता है और जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। एक तरफ तो त्योहार की खुशी है, आज से छठ पर्व की शुरुआत हो गई है, चार दिन तक ये रौनक बनी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ घर जाने की जो जल्दी है वो लोगों को ऐसे परेशान कर रही है कि फिर जान जोखिम में डालने से भी गुरेज नहीं कर रहे लोग। हेलो फ्रेंड्स, कैसा है आज का मौसम? छठ पर जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग और देखिए कैसे दरवाजों पर टंग कर एक दो तीन चार पांच से छह लोग तक एक दरवाजे पर लटके हुए हैं और कितना बाहर की तरफ लटके हुए हैं कि बस हाथ अगर जरा भी छूटा या फिसला या पैर फिसला तो सीधे जान जा सकती है। बड़ा जानलेवा है खुद की जान जोखिम में डालना और यूं सफर करना। लेकिन चूंकि छठ का पर्व है, घर पर भी जाना है, तो ऐसी ही हालत फिलहाल अलग अलग ट्रेन्स की दिखाई दे रही है, खास तौर से आनंद विहार से चलने वाली ट्रेन्स का यही हाल है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर कनाडा के